डियर स्टूडेंट्स, आपने हमारे दो लेक्चर देखे होंगे, उसमें हमने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम आपको बताएंगे लेक्चर 3 में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या क्या होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले पहला टाइप्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है हम बताएंगे आपको। देन आफ्टर रो मैट्रिक्स, थर्ड है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, देन आफ्टर स्केलर मैट्रिक्स, देन आफ्टर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आफ्टर जीरो मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये तो हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है आपके पास, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको क्योंकि ये अभी हम आपको आगे कॉम्पिटिशन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमने आपको बताई है यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स का मीन्स क्या होता है, इसकी वन प्रॉपर्टी होती है ओनली इफ अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज ओनली वन कॉलम It has only one column. So it has only one column का means हो क्या गया? That means this is the column matrix. Example इसका देख लेते हैं बेटा। Example में let कर लीजिए A equal to any कोई matrix बेटा। इसकी column कितनी होनी चाहिए? One. Column का means क्या होता है? One vertical line. तो column ले लिया हमने, कोई भी element ले लिया, 3, 2, 4, 5 ये column ले लिया हमने elements. तो उसका ऑर्डर कितना होगा, पहले हम क्या लिखते हैं रो देन आफ्टर कॉलम। तो रो कितनी हुई, 1, 2, 3, तो 3 by 1 ऑर्डर, राइट। इसको और जनरल फॉर्म से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर b इक्वल टू हमने लिया सिर्फ एलिमेंट्स में a11 देन आफ्टर a21 और देन आफ्टर a31, इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 3 by 1 होगा। इस तरह से हमने वन कॉलम रिप्रेजेंट कर दिया। वन कॉलम का मतलब है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, इन जनरल में a इक्वल टू कितना लिखते हैं, a इक्वल टू aij। ऑर्डर इसे कितना होना चाहिए बेटा, रो हमारे पास इसकी डिपेंड नहीं होती है, रो कितनी भी हो सकती है, वन रो भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी रो से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे होता है, कॉलम से। कॉलम कितनी होनी चाहिए, वन। तो रो कितनी हो सकती, तो m लेट कर लिया m/1, m किसे बिलोंग करता है, नेचुरल राइट। अगर हम बात करें एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं, कोई मैट्रिक्स है a इक्वल टू सिर्फ वन एलिमेंट है a11, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1/1। क्या ये रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, कितनी रो कॉलम है इसमें, वन कॉलम है, राइट, इट इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स, राइट। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी भी एक ही प्रॉपर्टी होती है बेटा, इट हैज ओनली वन रो, इट हैज ओनली वन रो, राइट। इसके लिए भी कंडीशन है कि सिर्फ ओनली वन रो होना चाहिए, कॉलम कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है। इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ए इक्वल टू 5, 7, 7, 5, 7, 8, 9, ये हमारी वन रो हो गई। रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, कॉलम कितनी हो गई, 4। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो बाय कॉलम, तो कॉलम कितनी है, 4। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ पे कॉलम से कोई मतलब नहीं, कॉलम कितनी भी हो सकती है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी बेटा, जनरल फॉर्म में आ जाएगा a इक्वल टू ए आई जे ऑफ कॉलम, डिपेंड हमारी कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिपेंड क्या होनी चाहिए, आपकी रो वन होनी चाहिए। तो रो फिक्स है, वन, कॉलम कितनी भी हो सकती है, कॉलम को क्या लेट कर लिया, n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n कितना भी हो सकता है। तो हमारे पास ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई है, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसमें एक एग्जांपल जैसे हमने बताया था a इक्वल टू ए आई जे, ए वन वन,
क्या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं? यस, बिकॉज इट हैज ओनली वन रो एंड वन कॉलम, तो दिस इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स एंड आल्सो रो मैट्रिक्स। ये ऐसा एग्जांपल है जो रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि रो मैट्रिक्स क्या कहता था, रो कहता है कि ओनली वन रो होनी चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स कहता है कि ओनली वन कॉलम होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल जो है A11 दैट मींस आल्सो यू कैन से 8.2 एज कोई भी एलिमेंट 2, इट इज अ रो मैट्रिक्स एंड आल्सो कॉलम मैट्रिक्स, राइट? नोट इट फास्ट। नाउ बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज की है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, दैट मींस यू कैन से नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एन एग्जांपल हमने लिया बेटा, जैसे ए इक्वल टू हमने लिया है 4, 3, 2, 3, 1, 0, 2, 5, 6। इसको ऑर्डर क्या होगा चेक कर लो बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 3/3 ऑर्डर। तो ये हमें पता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होती है तो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। इन जनरल फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं, इन जनरल फॉर्म ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ एम बाई एन ऑर्डर। ये एम बिलोंग टू रियल नेचुरल नंबर, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू कितना होता है एम बाई एम ऑर्डर। इट्स आल्सो नोन ऑर्डर एम, इट इज आल्सो नोन ऑर्डर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऑर्डर एम, या करके लिख सकते हैं ऑर्डर एम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। हाँ तो नंबर 4 है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इसमें पहले आपको बता देते हुआ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन पहली होती है, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला इसमें केस क्या होता है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकेंड केस इसमें क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इतने होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम आपको बताते हैं बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने आपको बताया था, इसमें ये जो हमारा पहला डायगोनल होता है इसी को हम कहते हैं डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर
मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये उसका डायगोनल होता है। डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है हम आपको ही बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग। डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर की, एम बाई एम ऑर्डर की, जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम बाई एम ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे इसमें क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके डायगोनल्स होते हैं वहां पर क्या होना चाहिए, आई इक्वल टू जे की कंडीशन होनी चाहिए। ए आई जे डायगोनल क्या होता है, आई इक्वल टू जे होता है। डायगोनल के लिए आई इक्वल टू जे होना चाहिए, जैसे कि ये क्या होता है 11, ये 21, 22 और ये 23। तो यहां पर डायगोनल कंडीशन क्या होती है कि आई इक्वल टू जे एम क्रॉस एम, यहाँ पर डायगोनल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आई इक्वल टू जे होना चाहिए डायगोनल। तो यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट इसीलिए कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ए 21 है, ए 22 है, 23 है, तो इसलिए डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ यही लिए जाते हैं, ये वाले डायगोनल नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस पर डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स तो बना लीजिए आप लोग, इन्होंने क्या कहा है एग्जाम्पल दे लीजिए इसका। तो ए इक्वल टू कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए m बाई m ऑर्डर की, m बाई m की छोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 बाई 3 ऑर्डर की ले लीजिए, 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इसमें क्या कहा है कि इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 3 बाई 3 ले लिया हमने। अब बात करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर कैसे होने चाहिए, जीरो। तो नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़कर कभी जीरो हो। तो डायगोनल क्या है आपका, ही वाला, इसमें कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 5 7 8, ये कुछ भी हो सकता है, फिक्स है, कुछ भी लिख लीजिए 1 2 3 4 मल्टी आपकी। पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये सभी आपके जीरो होना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। डायगोनल मैट्रिक्स को लेकर फिर से बताता हूँ, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 5 7 8, ठीक है। डायगोनल प्रॉपर्टीज ने बताया था आई इक्वल टू जे फॉलो करना चाहिए, राइट। इसकी जनरल फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है इसका, ए इक्वल टू ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ एम बाई एम मैट्रिक्स, एम बाई एम मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix when aij equal to 0, when I not equal to j, आई किसके इक्वल ना हो, जे के इक्वल ना हो। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब जैसे कि ये आपका 11 होता है, 22, ये 22, 11, 22 और 33, यहाँ पर क्या होता है 21 का मतलब आई टू और जे 1, तो ये आई टू और जे 1 का मतलब हो गया ये जीरो होगा अगर इक्वल नहीं है। ये 31 ये भी जीरो होगा, सारे जीरो होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स के होगी, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके तीन पार्ट हमारे हो चुके हैं, स्क्वायर कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, चार पार्ट हो गए। बाकी आपके स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स एंड लोअर डायगोनल मैट्रिक्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बताऊंगा, लेक्चर 4 में, ठीक है। अभी आपको इसको स्टडी करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे।